सो गाइस, अगर आपकी जिम में बैक की ये वाली मशीन नहीं है तो भाई आपको अपनी जिम चेंज कर देना चाहिए। मैंने भी अभी नई जिम चेंज करी है, मैंने इसमें 4-5 वीक ही किए हैं, लेकिन भाई जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, मेरी बैक के अलग ही गेंस आए हैं। देखो दिखाता हूँ, इसमें जो रिवर्स होता है ना, बिल्कुल आपके लैट्स को बहुत अच्छी तरीके से टारगेट कर पाऊंगा। पहले से पूरा जब ऊपर जाएगा ना दोनों हाथ, तो भी टेंशन है, तो कोई मेरे लेट्स दिख भी रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ से। ऊपर जाएगा तब तो टेंशन रहता है, जब नीचे पुश करोगे तो नीचे भी टेंशन आ जाता है। ये पहली एक्सरसाइज है, आज इसी से वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ मैं। मेरा लास्ट वर्किंग सेट है, मैंने 3 प्लेटें लगा दी 15 की, मतलब 45 एक साइड, देखते हैं जाता है कि नहीं। एक ड्रॉप करते हैं इसके बाद, मतलब जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर अकेले ट्रेन कर रहे हो तो वेट हटाते जाओ, ड्रॉप सेट बेस्ट रहता है क्योंकि कोई सपोर्टर होता नहीं। इतनी रेप्स गई उसके बाद वेट वापस हटा लो एंड फिर पुश करो। चलो इसे देखते कितनी जाएगी। लाइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं दूसरे एंगल से दिखाऊंगा। दूसरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ये क्लोज ग्रिप का ये एक वेरिएशन है। मेरी ये इक्विपमेंट लगा रहा हूँ मैं क्योंकि मेरी मिडल बैक काफ़ी वीक है, सो क्लोज ग्रिप के मूवमेंट मुझे करने पड़ेंगे। ओके चलो इसको स्टार्ट करते हैं, दिखूंगा मैं आपको बैठने के बाद, नहीं दिखूंगा मैं तो गायब हो जा रहा हूँ। चलो ओके, मैं एंगल थोड़ा नीचे कर लेता हूँ एक बार। दिख रहा हूँ आपको अभी ना, मैंने एक क्लिप चेक करी, मतलब आवाज़ फट सी रही है। कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में शोल्डर वाली में आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, सो मैं ये लेके आया हूँ। शायद मुझे कल लगा था शोल्डर वाली वीडियो में ना कि शायद हो सकता है मैं कल वेस्ट पहने था, सो उस वजह से माइक ना काफ़ी मतलब दूर हो रहा था मुझे से, तो मुझे लग रहा था शायद उसकी वजह से हो। सो अभी कैसी आवाज़ आ रही है, अभी क्लियर आ रही है? चलो ये भी लगा के जब दिया है तो देख ही लेते हैं, कुछ ना कुछ तो यूज होगा क्योंकि ये बार बार गिर जाएगा ऐसे। अभी इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ओके डन। कैसी आवाज आ रही है आप लोगों को? सो लास्ट वर्किंग सेट है मेरा, 285 लगा दिया है मैंने, चीट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं करके। ओके It's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is always.
फ्रेंड्स, यू एंड आई वी गॉट हिस्ट्री, बैटरी डाउन हो गई थी, भी मैंने वापस करी। और मैं बोल रहा था कि ये मशीन ना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो गई है, क्योंकि ये साइड डंबल के एक वेरिएशन है और मेरी लोअर बैक में काफ़ी पेन रहता है। काफ़ी टाइम पहले मैंने वो लिफ्टिंग करी थी, इस वजह से अगर ज़्यादा हैवी करो तो मेरे पेन होने लगता है। इसी वजह से मैं डेड लिफ्ट और ज़्यादा हैवी स्क्वाट वगैरह नहीं करता। लेट्स सी आपको चलते हुए मेरे पूरे इसका कोरोस अच्छा सिस्टम करना चाहिए। मतलब ये दो पिन टाइप की हैं, इसमें लगती हैं, जरा सा इधर उधर हिले ना तुरंत गिर जाती हैं। मतलब मैं बह लग जा साली। भाई काफी कठिन काम है मेरे लिए तो ये, कुछ होने से मतलब कि एक बार लगने के बाद लॉक भी हो जाए। बल्किंग समझ में आ रही है, कुछ कुछ बॉडी बल्किंग की बल्क कर रहा हूँ। मैं डेली बार का खा रहा हूँ, वैसे एक भी डाइट फॉलो नहीं कर रहा, डाइट भी वर्कआउट। अभी देखो धूप है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, सनलाइट आ रही है सामने से। वर्कआउट अभी कितना है टाइम, 3:30 बजे आए, 4:30 तक मतलब मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा वर्कआउट। उसके बाद मैं चिकन खाता हूँ जाके, कुछ पता होता नहीं, कभी 10 बजे कभी 11 बजे जाके सीधे तुरंत बाहर का जो मुझे रास्ते मिल गया खाने लगता हूँ। डेली भाई बाहर का खा रहा हूँ, बॉडी में पूरा फैट आ चुका है। बल्क करना है इस बार, पहली बार बल्क कर रहा हूँ मैं। ऐप्स मुझे अपने बहुत प्यारे थे लेकिन खोना पड़ेगा। ओके गाइस, लास्ट फिनिश कर रहे हैं हम लेट पुल डाउन से। मेरे हाथों में जैसे नहीं होते बैक वाले दिन वैसे भी दर्द करने लगते हैं, और ऊपर से मैं सबसे लास्ट में कर रहा हूँ इस वजह से, और मेरे बिल्कुल ग्रिप ही नहीं आ रही क्योंकि इसमें पूरा पकड़ के पुल करना है। सो देखते हैं, ज़्यादा वेट तो जा नहीं रहा क्योंकि बहुत तेज दर्द हो रहे हैं मेरे, वेट बहुत कम है यार। हो चाहिए कुछ, मैन नीड टू बी स्ट्रांग गाइस। भाई देखो देखो कैसे हो गए, बिल्कुल ठीक है। वेट लगा दिया भाई 80 kg, बिना सपोर्ट के मारता हूँ, चीता ही बोले चीता। Again, drop. क्या मस्त लाइटिंग आ रही है सामने से, पूरा सूरज आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सन स्लैप्ड लग रहा हूँ। लड़कियाँ लगती नहीं सन किस्ट, बॉयज सन स्लैप्ड। सो वर्कआउट हो गया, एक बच्ची है रोइंग, उसके बाद मैं थोड़ा करूँगा आर्म्स क्योंकि मैं रेस्ट करके आया हूँ, कल मैंने रेस्ट ले लिया था। एक्चुअली जिम संडे को भी खुली रहती है,
सो वीक में एक दिन रेस्ट होता है तो मैं कभी भी ले लेता हूँ, आके संडे को वर्कआउट कर लेता हूँ। पहले फिक्स था कि संडे को ही रेस्ट लेना है, अब ऐसा कुछ नहीं, मेरा जिस दिन मन किया उस दिन रेस्ट कर लेता हूँ, संडे को आके कर लेता हूँ। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि अब टाइम हो रहा है, मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, वो कैमरे में थोड़ा लेट हो जाता है, बार बार एंगल वेंगल देखना तो काफ़ी टाइम हो जाता है। सो इस वजह से ये थी अपनी वर्कआउट, एक मैं लास्ट करूँगा रोइंग। वैसे वर्कआउट इतना इनफ है जितना मैंने दिखाया, अगर आपका कोई वीक पार्ट है तो आप एक एक्सरसाइज और ऐड कर सकते हो। जैसा मैंने बताया कि मेरी मिडल बैक बहुत वीक है, जो ये वाला एरिया होता है मिडल बैक, जितना भी आपको क्लोज ग्रिप के मूवमेंट लोगे ना वो सारा आपकी मिडल बैक को टारगेट करेगा। सो मैं मिडल बैक की एक करके वर्कआउट कर दूंगा भाई ख़त्म। फिर हमने ये किया, फिर हमने किया ये, इसके बाद हमने कर दिया वर्कआउट ख़त्म। तो ये था अपना बैक का वर्कआउट। अगर वीडियो यहीं से ख़त्म हो जाए तो समझ लेना यहीं से ख़त्म हो, वरना मैं खा रहा हूँ बल्क में चल रहा हूँ जैसा मैंने बताया, फिर भी मैं स्किनी क्यों लग रहा हूँ, वाओ ट्रैप्स दिख रहे हैं ऊपर से शोल्डर भी। जाऊँगा अगर कुछ बाहर का दिखाऊँ तो समझ जाना, वरना वीडियो यहीं से ख़त्म हो जाएगी, मैं धीरे धीरे चीज़ें दिखाऊँगा। चलो ये थे वीडियो डेली वर्कआउट की, प्यार सपोर्ट दिखाते रहो भाई, बाय बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, लव यू। हारों में हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना